नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते छूंगे दोस्तों, जैसे कि जानते हैं दिल्ली के अंदर लॉकडाउन बढ़ गया है 17 मई तक। तो दोस्तों इसी पे बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली के अंदर क्या क्या चीजें चलेंगे और क्या चीजें नहीं चलेंगे। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा देना जो कि जब भी मैं चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास जल्दी जल्दी आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि गाड़ी के अंदर बैठा हूं तो आप लोग सोचे होंगे भाई काम पे निकला है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं काम पे बिल्कुल भी नहीं निकला क्योंकि 13-14 दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकला। तो दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर बैठने का कारण ये है कि आप लोग जानते होंगे गाड़ी 15 दिनों से खड़ी है और गाड़ी स्टार्ट नहीं करूंगा तो मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इसलिए ही गाड़ी के अंदर बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं कि भाई बैठ करके गाड़ी स्टार्ट भी कर दिया है और बैटरी थोड़ा सा चार्ज हो जाए तो बैटरी ठीक रहेगी। तो इसलिए मैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हूं और आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा दिल्ली के अंदर जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन के अंदर जो है पहले क्या था कि वो मेट्रो भी चल रहा था इस लॉकडाउन के अंदर, लेकिन अब जो लॉकडाउन लगा है इसमें मेट्रो नहीं चल रहा, सिर्फ टैक्सी और बसें वगैरह हैं जो कमर्शियल गाड़ी है वो चल सकेंगी। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 सवारी अलाउड है, राइट और लेफ्ट में पीछे बैठा सकते हैं आप, और इससे ज़्यादा बिठाते हैं तो 2000 रुपये के चलान होगा। तो दोस्तों अगर आप कस्टमर से ये कहते हैं कि आप सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते हैं और वो ज़्यादा कस्टमर हैं और आपसे जिद कर रहे हैं तो आप उनसे साफ साफ कह सकते हैं सर आप गाड़ी में बैठेंगे अगर पुलिस वाले ने रोका तो जो चलान होगा वो आपको भरना पड़ेगा पूरे के पूरे, 2000 रुपये की चलान है। तो दोस्तों अगर आप कस्टमर से ये क्लियर करके चलेंगे और बाद में अगर रोकते भी हैं पुलिस वाले तो वो कस्टमर ही भरेंगे। तो इस चीज़ को कस्टमर से क्लियर करके चलें। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो अगर आपको घर से जाना ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। आप लोग देख सकते हैं इस टाइम कि अब जो कोविड जो चल रहा है इस टाइम जो अब जो वेरिएंट आया है कोविड की वो कितनी घातक है और कितनी तेजी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप डबल मास्क लगाइए और अंदर वाले जो फेस होता है उस पर पहले आप सर्जिकल मास्क लगाइए, उसके बाद जो आपके पास ये नॉर्मल होता है ऐसे ये लगाइए। डबल मास्क लगा के घर से बाहर निकले, सैनिटाइजर वगैरह गाड़ी को करते रहें और अपने आप को भी हैंड को करते रहें सैनिटाइज। और आप जब भी घर से वापस आते हैं तो बड़ी सेफ्टी के साथ अपने घर के अंदर आए और नहाए धोएं, उसके बाद जो भी है फिर अपने घर के अंदर जाएं। तो दोस्तों ये हो गया। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों जैसे कि जानते हैं दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा है 17 मई तक। तो दोस्तों ये आगे भी बढ़ सकता है, आप ये ना सोचें कि 17 मई तक सिर्फ होगा, ये आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात और दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट ने हम ड्राइवरों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। जिन लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है अभी ड्राइवर के पास, वो अपनी गाड़ियों की किस्त कैसे भरेंगे आप लोग सोच सकते हैं, और हम लोगों पर भी बीत रहा है, वो दुनिया को नहीं पता। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने एक बार भी नहीं सोचा कि ड्राइवर लोग जो गाड़ियों की किस्त चल रही है तो वो कहाँ से भरेंगे। अगर हमारा काम नहीं चल रहा है, सभी ऑफिस वगैरह कंपनी वगैरह बंद है तो काम नहीं है हमारे पास। वैसे खाने के लिए दिक्कत थी लेकिन अब और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के ऐसे करके। तो दोस्तों 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाए हैं और इस बीच में गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए था कि जो गाड़ियाँ की किस्त चल रही हो किस्त माफ़ होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने हम ड्राइवर की तरफ देखा नहीं और सिर्फ अपनी अपनी तकलीफें देखी दिखी उनको और हम ड्राइवर की तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दिखा, ना देखना चाहते हैं कोई भी। तो दोस्तों हम लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा और ऊपर वाला ही हम सबको बचा सकता है जैसे भी हो। और सबसे पहले तो ये किस्त के टेंशन से ड्राइवर मरेंगे क्योंकि काम नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है अभी, तो किस्त हम कहाँ से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।